करण सिंह ग्रोवर हाल ही में अपनी एरियल एक्शन फिल्म फाइटर में दिखाई दिए थे। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म में उन्होंने आईएफ ऑफिसर की भूमिका निभाई है। एक्टर लंबे समय के बाद पर्दे पर दिखाई दिए हैं। एक लंबे वक्त तक करण अपनी फैमिली यानी कि खासकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिता रहे थे। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु की एक बेटी है देवी, जिनका नाम है, जो 1 साल की हो चुकी है। बिपाशा और करण अक्सर अपनी बेटी के साथ तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, जिसमें वे उनके साथ खेलते और वक्त बिताते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कपल ने अब तक अपनी बेटी का चेहरा पब्लिकली रिवील नहीं किया है। फैंस लंबे समय से देवी को देखने के लिए बेताब हैं। अब करण ने आखिरकार बता दिया है कि फैंस कब देवी का चेहरा देख पाएंगे। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में करण सिंह ग्रोवर ने कहा, बिपाशा ने कहा है कि हमें उसका चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं है, इसलिए जब तक हमारे पास ये परमिशन नहीं है हम नहीं करेंगे। करण ने आगे कहा, हर कोई बहुत प्यारा है, सभी पेपराजी और वहां मौजूद सभी लोग, मुझे लगता है कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वे भी हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे समझते हैं कि हम बच्चे का चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। करण सिंह ग्रोवर ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी का चेहरा छिपाना है। देवी के बारे में बताते हुए एक्टर ने कहा कि वह हमेशा हर किसी को हाय कहना चाहती है। आपको ये भी बता दें कि बिपाशा और करण की शादी से एक बेटी है और अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बेटी यानी कि देवी का फेस रिवील नहीं किया है। और जो फैंस है करण और बिपाशा के, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उतावले हैं कि कब वो देवी का चेहरा सबको दिखाएंगे। आपको इस उनके ऊपर क्या राय है आपकी, कि वो उनका फेस क्यों नहीं रिवील करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।